इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों का हड़ताल लगातार दूसरा दिन जारी है। इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों का मांग है कि कोरोना काल के दौरान 18 महीने की महंगाई भत्ते सरकार द्वारा दिया जाए, पुराने कर्मचारियों के पेंशन योजनाओं को भी लागू किया जाए। आगे कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग को अमल में लाया जाए। सारी बातें सरकार के समक्ष रखा गया। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इसका हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आंदोलन कर सकते हैं। मैं राकेश रंजन, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स तथा इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन का अध्यक्ष, आज अपने सभी साथियों के साथ हड़ताल में बैठा हुआ हूँ। हमारे न्यायोचित मांगों के समर्थन में आज हमारा दूसरा दिन का हड़ताल जारी है। हड़ताल के दरमियान हमारी मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन की बहाली और नई पेंशन का खत्म करना, 18 महीना से जो हमारा डीए फ्रीज किया हुआ 18 महीना का उसको रिलीज करना, एक कंपनसेशन इशू है जो हमारे कंपनसेट इशू पर 5% आर्टिफिशियल बाइंडिंग लगाया हुआ है, जैसे कोई भी कर्मचारी हमारा एक्सपायर करता है तो उसका जो कंपनसेट मतलब अनुकंपा आधारित जो नियुक्ति है उस पर सरकार ने आर्टिफिशियल रूप से 5% रोक रखा है। इसका ये अर्थ होता है कि 5% से ज़्यादा हमारा कोई मतलब एक्सपायर नहीं हो सकता है, केंद्र सरकार का मांगना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आर्टिफिशियल बाइंडिंग है, हमारे एम्प्लॉयियों को कुठाराघात है। उसके समर्थन उसके लिए हम लोग 5% का जो सीलिंग लिमिट है, कोई मरता है तो उसके कंपनसेट अपॉइंटमेंट होता है तो उसको रखने के लिए हमारा ये मांग है। फिर हमारा जो पदोन्नति काफ़ी दिनों से रुका है, अगर गुजरात के केस में बात करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो उसमें करीब करीब 50% हमारा वैकेंसी खाली है, उस जगह भरा नहीं जा रहा है, और जिसमें से लगभग 450 प्रमोशन का पोस्ट है उसको भी अविलंब भरने का हमारा सरकार से मांग है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम सरकार से डिमांड करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए और पुराने पेंशन स्कीम को उसी तरह से चलाया जाए, और एनपीएस को तो एकदम कचरे रखे डब्बे में डाल ही देना चाहिए। भर्ती नियमावली भी हमारे यहाँ काफ़ी अभी पेंडिंग है, उसको भी आपके माध्यम से सरकार को पहुँचाना चाहते हैं कि उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू करें। दूसरा एक आता है हमारा इंटरचार्ज पॉलिसी। इंटरचार्ज पॉलिसी क्या होता है, हम लोग का जो सर्विस होता है वैकेंसी आता है उसमें लिखा होता है ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, जिसके अंदर होता है कि हम लोग जब नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो रहता है कि ऑल इंडिया में हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, एक थोपा जाता है कि आप लोग जिस चार्ज में ज्वाइन करते हैं विशेषकर हमारे जो अराजपत्रित कर्मचारी है उसी चार्ज में रह सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो उसको भी हम लोग पहले चालू था, ये पिछला एक साल से करीब बंद है, तो उसको पुनः चालू कराने के लिए भी आप पत्रकार मित्रों से हमारा अनुरोध है कि हमारी बात को आगे तक बढ़ाए, क्योंकि जो हम लोग आवाज़ देते हैं उसको आप और लाउडली पूरा चारों तरफ से फैलाते हैं।